I'm joined by Dr. Raman Singh, who's contesting here from Rajnangaon, who's just finished praying. So what were your wishes and prayers today? आज हमने भगवान से काली माँ के दरबार में आया शीश झुकाया और काली माँ से प्रार्थना किया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सुशासन देगा और शांति और समृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आपने पूरा कैंपेन किया है, पूरा छत्तीसगढ़ में और भी करेगा, आपका क्या मुद्दा है इस बार सर? लोग मुद्दा विकास का मुद्दा है, भूपेश बघेल का करप्शन का मुद्दा है, विकास को रोकने का मुद्दा है। और इस बार आर यू श्योर दैट यू विल बी एबल टू गेट अ बेटर मेजोरिटी इन राजनांदगांव? 100% राजनांदगांव ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और आप लीड करेगा छत्तीसगढ़? इस बार सर्वाधिक वोटों से राजनांदगांव में पिछले 3 चुनाव से ज्यादा वोट से जीतेंगे। और एक आप मुख्यमंत्री बनेगा सर इस बार? अब ये तय विधायक दल होगा। क्या सर? विधायक दल की बैठक में तय होगा। So here you have it from Dr. Raman Singh, a very categorical statement in terms of the fact that what are the issues, and he has made it very clear that it will ultimately be the BJP MLAs who will decide who will be the Chief Minister. With camera person Kanan Patra, Sunil Prabhu, NDTV.